आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगा जिसके अंदर शायद आप अपना दिमाग लगा के एक एनालिसिस कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। आपने नोटिस किया होगा कि अभी हमारे मोदी जी यूएस विजिट पे गए थे और उसमें से एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है जिसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के सीईओ कंपनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी के साथ एक मीटिंग पे बैठे हुए हैं। इतना पता चल गया है कि अगर वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो एक बात पक्की है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो इस टाइम तेजी से बना हुआ है वो अगले 2-3 साल के लिए भी बना रहेगा और ऐसा इसके अंदर मुझे डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है क्योंकि इस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर पैसा बन रहा है कंजम्पशन साइड के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ इन लीडर्स को इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि चाइना के पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से कंपनीज वहां पे अब एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रही और यूएस के बाद उनको एक ग्रोथ मार्केट अगर दिखाई देती है तो वो पहले थी चाइना जो कि एक थोड़ा सा नंबर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया के अंदर इस टाइम आज की डेट में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं जो कि पिछले 50 सालों में मिला के भी नहीं हुई थी। तो इस नंबर पे आप फोकस करें कि क्या हो रहा है डोमेस्टिक साइड पे इंडिया की सप्लाई चेन जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ रही हैं उन पे फोकस करें। प्लस एक ऐसे ट्रेंड पे आप नोटिस करेंगे कि आज की डेट में हमारे आलिया भट्ट और दीपिका पाडुकोण जो कि आज की डेट में इन वर्ल्ड की लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि एलवी और गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर्स बन चुके हैं वो आज तक की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंडियन सेलिब्रिटी को ब्रांड एंडोर्समेंट की अपॉर्चुनिटी मिली हो इन लग्जरी ब्रांड्स के लिए। इसमें से भी एक की इंसाइट अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि एलवी गुच्ची ने ऐसे ही उनको अपने ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। उनकी जो स्ट्रेटेजी इस टाइम मैनेजमेंट की कहती है कि आज की डेट में अगर उनको कोई नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड तो वो है सिर्फ इंडिया और इंडिया की मार्केट के अंदर आपको अगर एग्रेसिव अप्रोच रखनी है तो आपको एक इंडियन फेस भी चाहिए होगा ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए। ऐसे फैक्टर्स की वजह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो हर बंदे को इतना पता चल गया है कि ये जो नंबर 6-7% के ग्रोथ रेट के दिखाई दे रहे हैं वो कोई भी ज्योग्राफी में इस टाइम वर्ल्ड ओवर के कंपटीशन में नहीं है इस लेवल की इकोनॉमी के अंदर। ये बात भी पक्की है। अब हम बात करते हैं शेयर बाजार की कि शेयर बाजार लोगों को लगता है कि 19,000 जाएगा 20,000 जाएगा वो नंबर जो है एक थ्योरेटिकल नंबर है और उसके पीछे की जो कंपनीज है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हर अप साइकिल के अंदर आपको निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसके अंदर कुछ कंपनीज आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती हैं। इसका की इंग्रेडिएंट है कि निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स जो रैली के अंदर बैठे हुए हैं वो कौन से हैं। आज की डेट में आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो 15-20% 25% अपनी ऑल टाइम हाई से नेगेटिव परफॉर्मेंस में है जो कि आज से 2 साल पहले आउट रनर थी निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन आज की डेट में निफ्टी को जो ऊपर लेके जा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स वो है हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेयर्स प्लस बैंकिंग सेक्टर। आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज जो हैं वो इस टाइम रिकॉर्ड 52-वीक हाई पे जा रही हैं और उसकी वजह से हमारी निफ्टी की परफॉर्मेंस भी बहुत तेजी से दिखाई दे रही है। इतना पता चल गया है कि निफ्टी हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, आपके स्टॉक्स का जो रोटेशन है वो चेंज होता रहेगा और कुछ कंपनीज जो आज आपको आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं वो आने वाले फ्यूचर में शायद नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई दे और जो नेगेटिव परफॉर्मेंस वाली कंपनीज हैं वो आपको एक अपसाइड दिखाई दे फ्यूचर के अंदर। ऐसी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आप अगर शेयर बाजार में बैठे हुए हैं और अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करें और अपने पैरामीटर्स बना के रखें कि ऐसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लें जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर आपको इतना ज़्यादा मीडिया के अंदर फ्रेंजी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वही स्टॉक्स में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखाई देगी। हिस्ट्री आप पिछले 20 साल की देख लेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर उन्हीं कंपनीज के अंदर पैसा बना है जो कि इंडिया के एनालिस्ट ने नेगेटिव व्यू रखा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल दें आपको कंजम्पशन स्टोरी का, आईटीसी का
कंपनी का स्टॉक 120, 180, 200 के आसपास की जो रेंज में चल रहा था वो आज की डेट में अराउंड 450 के लेवल को पार कर चुका है। कंपनी एक लार्ज कैप स्टोरी की होने की वजह से भी अराउंड जो 100% की जो उन्होंने रिटर्न दिखाई है वो एक कमेंडेबल कंपनी की परफॉर्मेंस है, और ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना ही आपका एक कोर कॉम्पिटेंट एरिया होना चाहिए जिनको मार्केट अभी इग्नोर कर रही है। ये एक काफ़ी अच्छी एडवाइस है, आपके भी काम आएगी, इसको ध्यान से स्टडी करें। थैंक यू।